जिस पाकिस्तान में आतंकियों ने बम पर बम पटक कर लोगों से लेकर पुलिस के जवानों को नहीं छोड़ा, वो पाकिस्तान फिर से कश्मीर पर साजिश कर रहा और दुनिया को संदेश दे रहा कि कश्मीर में शांति से रह रहे लोगों के खिलाफ वो ऐसे ही तुच्छी हरकत करते हुए बाज नहीं आएगा। दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसी ने कश्मीर पर भिखारी पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा किया। इंडिया टुडे के पास पाकिस्तानी सरकार का वो सीक्रेट पेपर मौजूद है जिसमें पाकिस्तान ने दुनिया भर में मौजूद अपने दूतावासों और हाई कमीशन के साथ मिलकर कश्मीर पर भारत खिलाफ साजिश करने की प्लानिंग तैयार की है। इस्लामाबाद में स्थित पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से 3 फरवरी को दुनिया भर में मौजूद सभी दूतावास और हाई कमीशन को भेजे गए एक सीक्रेट नोट में भारत के खिलाफ कश्मीर पर साजिश को कैसे अंजाम देना है उसके लिए टूलकिट भी शेयर किए गए हैं। बता दें पाकिस्तान 5 जनवरी को कश्मीर एकता दिवस मनाता है। इसकी आड़ में पाकिस्तान ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए बड़ी प्लानिंग की है जिसके तहत भारत के खिलाफ दुनिया भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की योजना तैयार की गई है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने सभी दूतावास को फैक्स और ईमेल के जरिए ये बताया कि किस तरीके से कश्मीर में तैनात भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ झूठे मानवाधिकार हनन के मामलों को सामने लाना है जिसके जरिए दुनिया के दूसरे देशों को भारत के खिलाफ गुमराह किया जा सके। पाकिस्तान ने इसके लिए टूलकिट भी तैयार किए हैं। इस टूलकिट के जरिए सोशल मीडिया पर भारत को बाकायदा बदनाम करने की साजिश की जा रही है। पाकिस्तान 5 जनवरी को दिन भर सोशल मीडिया पर कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाएगा। ये कदम पाकिस्तान ऐसे समय उठा रहा जब उसका मुल्क खुद आर्थिक तंगी और आंतरिक कलह से जूझ रहा और पाकिस्तान में हालत बद से बदतर होते जा रहे। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास ने तो कश्मीर को लेकर बाकायदा वेबिनार का आयोजन भी कर डाला है। पाकिस्तानी सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा पोस्टर जारी किया है और ट्विटर पर ट्रेंड करवाने के लिए कुछ हैशटैग भी जारी किए हैं। भारत की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की इस साजिश पर नजर बनाए हुए है। बता दें 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था। पाकिस्तान के अलग अलग देशों में मौजूद एम्बेसी लगातार कुछ दिनों से कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा मैसेज सोशल मीडिया पर चला रही है। वैसे पाकिस्तान की इज्जत खुद उसके पाले हुए आतंकियों ने उतार रखी है। आलम तो ये है कि पाकिस्तान में आर्थिक तंगी ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। यहाँ $1 कीमत 260 पाकिस्तानी रुपया ज्यादा हो गई है। यहाँ लोगों को बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ा और आटे दाल का भाव हजारों रुपयों तक पहुंच गया है जिससे गरीबों के लिए भुखमरी की संभावनाएं बढ़ने लगी हैं। खैर अब देखना यह होगा कि भारत सरकार पाकिस्तान पर क्या एक्शन लेगी और क्या पाकिस्तान सच में इस बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुका है। आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।